हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उतरी थी आईएसएल 2024-25 के अपने चौथे मुकाबले में, अवे मुकाबले में एफसी गोवा के खिलाफ फटोडा स्टेडियम में। शाम 7:30 बजे से ये मैच शुरू हुआ था। तो एफसी गोवा के खिलाफ स्टार्टिंग लाइनअप में मैंने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई चेंजेस होगा, लेकिन जुआन पेद्रो बिनाली के स्ट्रैटेजी को देखते हुए मुझे ये समझ आ रहा है कि जैसा अपोनेंट सामने है वैसा ही वो स्टार्टिंग लाइनअप और वैसा ही प्लान स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं। यानी कि हर मैच के लिए हर प्लान है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के हेड कोच जुआन पेद्रो बिनाली के पास, और उसी हिसाब से अपने प्लेयर्स को रोटेट कर रहे हैं। हमने देखा है कि रॉबिन यादव शुरू कर रहे थे राइट बैक के पोजीशन पे, दिनेश सिंह नहीं थे। आखिर इनको कोई इंजरी है या फिर नहीं, मुझे क्लियरली पता नहीं है, लेकिन रॉबिन यादव शुरू करते हुए नजर आ रहे थे और नेस्टर अल्बियाक शुरू कर रहे थे गुइलेर्मो फर्नांडिस के जगह, और पालगुनी सिंह के जगह मयकनन मुतो आई थिंक शुरू किया था। तो दो चार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले थे, जो कि काम भी आ रहा था डिफेंसिवली और ऑफेंसिवली भी, क्योंकि गुइलेर्मो के जगह नेस्टर अल्बियाक को स्टार्टिंग लाइनअप में डालना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए वो काम कर गया है। शुरू के मिनट में ही नेस्टर अल्बियाक का इंडिविजुअल ब्रिलियंट के कारण नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी लीड ले लेती है। शानदार गोल करते हैं नेस्टर अल्बियाक, व्हाट अ प्लेयर, और दूसरा गोल भी यही करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। तो दोस्तों, मैच का कंट्रोल एफसी गोवा के पास था, बॉल पोजीशन ज़्यादातर एफसी गोवा के पास था, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जिस हिसाब से जिस स्ट्रैटेजी से खेल रही है वही सेम स्ट्रैटेजी से ये मैच में भी खेल रही थी। डिफेंड कर रही थी, मिड ब्लॉक कर रही थी और काउंटर्स पर हिट कर रही थी, और अलादीन अजारी और नेस्टर अल्बियाक जितिन एमएस मिलकर एफसी गोवा के डिफेंडर्स को काफ़ी ज़्यादा चिंता में डाल रहे थे, लेकिन स्कोर होता नहीं है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। और वहीं एफसी गोवा के पास लास्ट के कुछ मिनट में ज़्यादातर चांसेस बनते हैं और पेनल्टी कंसीड कर बैठती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मोहम्मद अली बिमैमर के कारण। तो अगर आप रिप्ले देखो तो मोहम्मद अली बिमैमर को वहां पर जल्दी कमिट नहीं करना चाहिए था, तो जल्दी कमिट कर जाते हैं और पेनल्टी कंसीड कर जाते हैं, और फर्स्ट हाफ खत्म होते होते एफसी गोवा अरमानदेव सादिकू के पेनल्टी स्कोर के कारण 1-1 में ये मैच को ला देती है। फर्स्ट हाफ का खेल 1-1 पर ही खत्म होता है। सेकेंड हाफ शुरू होते ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का एक बेकार डिफेंडिंग फुटबॉल देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बेकार डिफेंडिंग कर रही थी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी सेकेंड हाफ के बारे में अगर हम स्पेशली बात करें। और सेकेंड गोल भी डिफेंसिव लैप के कारण ही आया, अरमांदो सादी को एक और स्कोर करते हैं, 2-1 से एफसी गोवा को लीड में ला देते हैं सेकेंड हाफ शुरू होते ही। लेकिन बराबरी करने में ज़्यादा देर नहीं लगता है जुआन पेद्रो बिनाली की टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को, क्योंकि गुइलेर्मो फर्नांडिस की जगह नेस्टर को लाना इस मैच में काम कर गया है, और नेस्टर ही सेकंड गोल स्कोर करते हैं, एक ब्रिलियंट फिनिश करते हैं नेस्टर अल्बियाक और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को बराबरी ला देते हैं। और अलादीन अजारी, इनके बारे में मैं क्या बताऊं, पूरे मैच में अलादीन अजारी ने शानदार फुटबॉल खेला है। जब तक ना इन्होंने बेंच में गए थे तब तक अलादीन अजारी शानदार फुटबॉल खेल रहे थे। एफसी गोवा के डिफेंडर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी अलादीन अजारी के कारण। अलादीन अजारी का एक शानदार फिनिश आता है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को इस मैच में दूसरी दफ़ा लीड मिल जाती है, और अलादीन अजारी लगातार मैचेस में स्कोर करते हुए आ रहे हैं। अभी तक आईएसएल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 4 मैचेस खेला है और इन चारों मैचेस में अलादीन अजारी ने स्कोर किया है। और अगर आप फाइनल को ले लो, फाइनल को अगर जोड़ दो, यानी कि डूरन कप फाइनल को जोड़ दो मोहन बगान सुपर जॉइंट के खिलाफ, उस मैच में भी अलादीन अजारी ने स्कोर किया था। यानी कि लगातार 5 मैचेस से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए अलादीन अजारी स्कोर करते हुए आ रहे हैं, तो एक लेजेंड लग रहा है मिल चुका है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को। तो 3 पॉइंट ऐसा लग रहा था कि जुआन पेद्रो बिनाली की टीम ले जाएगी एफसी गोवा के खिलाफ, एफसी गोवा के ही घर से ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से डिफेंसिव लैप देखने को मिलता है, मिडफील्ड और डिफेंस के बीच काफ़ी बड़ा गैप बन जाता है। लास्ट के मिनट में बोरा हरेरा स्कोर करते हैं, 3-3 पर ये मैच का स्कोर लाइन ला देते हैं। और जहाँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को 3 अंक मिलता हुआ नजर आ रहा था, वहीं 1 पॉइंट से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को। लेकिन चिंता का विषय 2 है यहाँ पर मैच के दौरान देखते हुए। गुइलेर्मो फर्नांडिस लास्ट के कुछ 15 मिनट्स बचा हुआ था तब आते हैं, आई थिंक नेस्टर अल्बियाक के जगह आते हैं, और बिना कोई टच लिए ही एक हेडर जीतना के कारण यहाँ पर गुइलेर्मो फर्नांडिस को एंकल इंजरी होता है। और जब से वो एंकल इंजरी
गुलेर्मो फर्नांडिस को हुआ तब से वो लंगड़ाते हुए इस मैच में खेल रहे थे, यानी कि ये इंजरी थोड़ा सीरियस लग रहा है। तो ब्रेक है अभी फिलहाल, इंटरनेशनल ब्रेक शुरू होने वाला है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का जो नेक्स्ट मैच है ऑलमोस्ट 15-16 दिन के बाद आई थिंक है, 19 तारीख को है आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैच, किसके खिलाफ है मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन गैप है। तो क्या नेक्स्ट मैच से पहले गुलेर्मो फर्नांडिस जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए, क्या वो फिट हो जाएंगे एंकल इंजरी से, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरा सबसे बड़ा चिंता का विषय वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का डिफेंस लाइन एफसी गोवा के खिलाफ, खासकर सेकेंड हाफ में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का डिफेंस लाइन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही थी जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को गोल कंसीड करना पड़ा। गुरमीत सिंह के बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि गुरमीत सिंह ने आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को सच में बचाया है, 2-3 एक ऐसे सेव्स डाले हैं आज गुरमीत सिंह ने जहां से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस मैच को गवा भी सकती थी। लेकिन डिफेंस को लेकर थोड़ा और काम करना पड़ेगा अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को प्लेऑफ्स के लिए जाना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को, तो डिफेंस लाइन स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक पॉइंट लेकर जा रही है, मेरे हिसाब से उतनी ज़्यादा दुख की बात नहीं है क्योंकि एफसी गोवा को एफसी गोवा के ही घर पे हराना मुश्किल है, हरा सकती थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक पॉइंट मिला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के हेड को जुआन पेद्रो बिनाली, आई थिंक इस एक पॉइंट से खुश ज़रूर होंगे। तो चले दोस्तों फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चले दोस्तों अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।